डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ प्रवीण कुमार अग्रवाल फ्रॉम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वेलकम्स यू इन माई टूडेज़ लेक्चर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अपॉन द टॉपिक टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल पेपर जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कॉमर्शियल पेपर के रिगार्डिंग इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था इसके डिफरेंट फीचर्स डिस्कस किए थे इसके साथ साथ इसकी मेरिट्स एंड लिमिटेशंस को भी हमने डिस्कस कर लिया था ये एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस की तरह वर्कआउट करता है डिफरेंट फॉर्म्स के लिए नाउ द क्वेश्चन इज दैट वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल पेपर्स अगर हम यूनिफॉर्म कॉमर्शियल कोड की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग कॉमर्शियल पेपर्स के चार मेजर टाइप्स अवेलेबल हैं द वेरी फर्स्ट कॉमर्शियल पेपर इज नोन विद द नेम ऑफ द प्रोमिजरी नोट या सिंपली हम इसको नोट के नाम से भी जानते हैं इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ सी पी एंड इज आर रिटर्न प्लेज टू पे मनी एज पर द प्रोमिजरी नोट एन इंडिविजुअल हु इज द मेकर ऑफ द नोट प्रोमिस टू पे द होल्डर पे कुड बी एनी वन हुज द पजेशन ऑफ द प्रोमिजरी नोट और आ स्पेसिफिक पर्सन नेम्ड इन द नोट यानी कि अगर हम कॉमर्शियल पेपर में प्रोमिजी नोट की बात करें तो ये एक स्पेशल टाइप का कॉमर्शियल पेपर होता है जिसमें मनी को पे करने के रिगार्डिंग एक रिटर्न प्लेज अवेलेबल रहती है यानी कि रिटर्न में होता है और प्रोमिजी नोट के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन जो इसका मेकर है जिस पर्टिकुलर पर्सन ने प्रोमिजरी नोट को राइट डाउन किया है जिसने इसके इसको राइट ऑफ किया है दैट पर्टिकुलर पर्सन और इंडिविजुअल ये प्रॉमिस करता है इसके होल्डर को उस पर्टिकुलर अमाउंट को पे करने की जो उसने उस पर्टिकुलर प्रोमिजी नोट पर लिखी होती है अब जब पे की बात आती है तो पे कोई भी हो सकता है जो उस प्रोमिजी नोट के पोजिशन को फॉलो करता है या जिसके अधिकार में होता है वो, वो प्रोमिस नोट वो पे ही हो सकता है या जिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक लिखा होता है वो भी उस अमाउंट का या उस प्रोमिज नोट का पे ही हो सकता है यानी कि दो पार्टी जो गई एक तो पेयर या जैसे हम मेकर का नाम देते हैं जो प्रोमिज नोट को फॉलो करता है ये राइट ऑफ करता है और दूसरा होता है पे जिसको अमाउंट पे की जानी होती है जैसे कि आपने देखा होगा जब किसान गन्ना मिलों पे जाते हैं तो वहां जब वो अपना गन्ना यानी कि जो भी उनके पास शुगर केन्स अवेलेबल होते हैं उनको जब शुगर मिल को सेल करते हैं तो तुरंत पैसा नहीं दिया जाता है शुगर मिल्स के द्वारा वो क्या करते हैं एक पर्टिकुलर पेपर पर एक कॉमर्स एक प्रोमिस नोट तैयार करते हैं जिसमें उस पर्टिकुलर पर्सन को नेम के साथ उसकी अमाउंट को एक स्पेसिफिक डेट पर पे करने का प्रॉमिस किया जाता है और उस पर जो शुगर मिल है उसकी टैम लगा के प्रॉपर्ली जो उसकी ऑथोराइज पर्सनैलिटी है वो साइन करती है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जब प्रोमिजरी नोट को उस पर्टिकुलर फार्मर के द्वारा प्रजेंट किया जाता है तो उसको उसकी अमाउंट पे कर दी जाती है तो हम इस पर्टिकुलर कॉमर्शियल पेपर को प्रोमिजी नोट का नाम देते हैं अब अगर हम प्रोमिजी नोट की बात करें तो ये भी दो टाइप के हो सकते हैं एक तो होते हैं बियर पेपर और दूसरे होते हैं जिसे हम बोलते हैं टाइम प्रोमिजी नोट्स बियर पेपर में क्या होता है बियर पेपर में कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर प्रोमिज नोट को प्रेजेंट करता है तो वो अमाउंट उस पर्टिकुलर पर्सन को प्रजेंट कर दी जाती है यानी उसको पे कर दी जाती है ठीक है लेकिन जो टाइम नोट रहता है तो वो उसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट पर उसका पेमेंट किया जाता है जिस डेट पर उसमें प्रोमिस नोट में पे करने का प्रोमिस किया गया है उससे पहले उसके रिगार्डिंग अमाउंट को पे नहीं किया जाता है तो हम इस नोट को टाइम नोट का नाम देते हैं अच्छा एक तो बी पेपर हो गया एक होता है जिसमें पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा हुआ होता है केवल केवल जब वही पर्टिकुलर पर्सन उस प्रोमिजी नोट को प्रेजेंट करता है तो तो ही उस अमाउंट को पे किया जाता है अगर कोई और पर्सन जो जिसका नाम लिखा है उसके अलावा कोई अगर दूसरा पर्सन आता है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को उसका पेमेंट नहीं किया जाएगा उस पर्सन को नाम दिया उस पर्सन पर्टिकुलर पर्सन को पेमेंट किया जाएगा जिसका नाम उस पर्टिकुलर प्रोमिजी नोट पर लिखा होता है ठीक है तो ये तो बात हो गई प्रोमिजी नोट की अब हम बात करते हैं अबाउट द सेकेंड कॉमर्शियल पेपर दिस इज नोन एज द ड्राफ्ट क्या होता है ड्राफ्ट इट इज अ थ्री पार्टी पेपर कन्फर्मिंग द पेमेंट पेमेंट को कन्फर्म करने के रिगार्डिंग ये थ्री पार्टी पेपर होता है कॉमर्शियल पेपर होता है क्या होता है इस केस में इट इज द ड्रॉयर हु इज द ऑर्डर टू पे वेयर एज द ड्रॉइ इज द पार्टी टू द ऑर्डर टू पे इज गिविन तो दो पार्टी होती है यहां पर एक होता है ड्रॉयर और एक होता है ड्रॉइ ड्रॉइंग क्या करता है ऑर्डर पे करने के लिए ऑर्डर को इस्यू करता है और जो ड्रॉई क्या होता है ये वो पार्टी होती है जिसको पे करने का ऑर्डर दिया जाता है जो पेमेंट लेगा जो पेमेंट दे रहा है वो हो गया ड्रॉयर और जो पेमेंट ले रहा है रिसीव कर रहा है वो हो गया ड्रॉई और जो ड्राफ्ट होता है जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज का नाम भी देते हैं इसको मेनली ट्रांजेक्शन में पेमेंट को सेफ करने के लिए फॉलो किया जाता है कैसे ट्रांजेक्शन में द ट्रांजेक्शन दैट इन्वॉल्व शिपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ओवरसीज जिन प्रोडक्ट्स को ओवरसीज जो प्रोडक्ट्स ओवरसीज के बेसिस पर सिप किए जाते हैं जिनकी शिपिंग की जाती है तो इनके पेमेंट को सेवगार्ड करने के लिए हम इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के बेसिस पर क्या करते हैं ड्राफ्ट को ईश्यू करते हैं डिलीवरी से पहले पेमेंट को इनश्योर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्ट आपने डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी हो रहे होंगे ना। और उसमें ड्राफ्ट की डिमांड की जाती है डिमांड ड्राफ्ट की डिमांड डिमांड ड्राफ्ट की डिमांड की जाती है तो जो उसमें पर्टिकुलर पर्सन होता है कैंडिडेट होता है वो उस एग्जाम में अपियर होने से पहले ड्राफ्ट के थ्रू एक अमाउंट को फिल करता है और उस अमाउंट में जिस पर्टिकुलर कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फॉलो कर रहा है या जो संस्था उसको कंडक्ट करा रही है उसके नाम पर क्या करना क्या करना होता है आपको ड्राफ्ट फॉलो करना होता है अब क्या होता है उस ड्राफ्ट के मीडियम से वो पैसा उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन तक पहुंच जाता है और उसके बाद ही आप एग्जाम में एपी हो सकते हो यानी कि यही कॉन्सेप्ट हम बिजनेस में फॉलो करते हैं बिजनेस में जो पर्टिकुलर पर्सन होता है एक पार्टी दूसरी पार्टी के रिगार्डिंग ड्राफ्ट को फॉलो करती है और ड्राफ्ट के बेसिस पर वो पैसा क्या होता है उसके अकाउंट में पहुंच जाता है तो यानी कि डिलीवरी से पहले उसके पास पेमेंट हो जाता है और उसकी सेफ्टी यानी कि उसका प्रोटेक्शन एनश्योर हो जाता है इसी वजह से ड्राफ्ट को रिस्यू किया जाता है ठीक है तीसरी फॉर्म रहती है इसके अंदर जिसे हम नाम देते हैं चेक का चेक क्या होता है यह भी एक तरीके का कॉमर्शियल पेपर होता है जो बैंक पर ड्रॉ किया जाता है दैट इज ड्रॉन ऑन अ बैंक अब इसमें भी क्या होता है आइदर इट इज पेबल ऑन डिमांड टू अ पर्सन स्पेसिफाइड और द होल्डर यानी जिस पर्टिकुलर नेम जिस पर्टिकुलर पर्सन के नेम पर इसको रिस्यूव किया गया है या तो उस अमाउंट को उस पर्टिकुलर पर्सन को पे किया जाता है या फिर जो उसका होल्डर होता है जिसे हम जिसमें चेक का नाम भी देते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को उसका पेमेंट कर दिया जाता है चेक के मीडियम से क्योंकि जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है या बिजनेस है इसका अपना एक बैंक अकाउंट अवेलेबल होता है और इस बैंक अकाउंट में ये अपने मनी को होल्ड करता है ठीक है तो इसका मतलब जो बैंक है वो इस अकाउंट की अमाउंट के रेफरेंस में ऑब्लिस्ड होती है तो अंडर ऑब्लिगेशन है बैंक और अंडर ऑब्लिगेशन होने की वजह से ये क्या करती है जो चेक उस पर्टिकुलर फर्म की तरफ से फॉलो किया जाता है उसके रिगार्डिंग उस अकाउंट में से पेमेंट को एंश्योर करती है जितनी अमाउंट उसके ऊपर लिखी हुई है उस पर्टिकुलर अमाउंट को यानी कि एक पार्टी ने चेक को फॉलो किया दूसरी प्रॉपर्टी को उस चेक के मीडियम से पेमेंट किया ठीक है अब वो चेक क्या करती है उस बैंक को प्रेजेंट करती है और वो बैंक क्या करती है जिस पर्टिकुलर पर्सन ने चेक अपने अकाउंट से इश्यू किया है उसके अमाउंट में से उतना पैसा डिडक्ट करके जो उस चेक को प्रेजेंट करता है पर्सन उसको उसके रिगार्डिंग पेमेंट फाइनलाइज कर देती है सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ कॉमर्सियल पेपर ठीक है नेक्स्ट वन इज नोन एज द सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट जिसे हम शॉर्ट uh, में सी का भी नाम देते हैं ये क्या होता है इट इज़ एन एक्सेप्टेंस बाय द बैंक ऑफ द एक्विजिशन ऑफ अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी फ्रॉम अ डिपोजिटर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो बैंक हैं वो डिपोजिटर से एक स्पेसिफिक सम ऑफ मनी को एक्विजाइज करते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं जो बैंक है द बैंक प्रोमिस टू रिपे द अमाउंट विद इंटरेस्ट आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड के टाइम के बाद जब वो पर्टिकुलर अमाउंट मैच्योर हो जाती है यानी कि मैच्योरिटी के टाइम पर जो बैंक है उस अमाउंट को इंटरेस्ट के साथ में उस पर्टिकुलर डिपोजिटर को पे करने के लिए रिपे करने का प्रोमिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट सी डी केस में जो बैंक है वो तो एक मेकर का रोल प्ले करती है और उसके साथ साथ ड्रॉइ का भी रोल प्ले करती है जबकि हम जब उस पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं जो डिपॉजिट कर रहा है वो पेई का रोल प्ले करता है ठीक है जैसे आपने जब बैंक में एफडी कराते हो यानी कि फिक्स डिपोजिट या फिर आर अकाउंट ओपन कराते हो रेकर डिपॉजिट तो ये क्या है ये एक तरीके के सीडी के एग्जाम्पल्स हैं ठीक है जिन्हें हम कॉमर्शियल पेपर्स में इंक्लूड करते हैं तो ये तो बात हो गई सी की तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल पेपर्स नाउ वी विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कॉमर्शियल पेपर्स कॉमर्शियल पेपर्स की हिस्ट्री क्या है कॉमर्शियल पेपर फर्स्ट केम इन टू यूज अबाउट हंड्रेड ईयर्स बैक सौ साल पहले कॉमर्शियल पेपर एग्जिस्टेंस में आ चुके थे वो क्या था उस समय एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम द न्यू और बिजनेस सोल्ड देयर शॉर्ट टर्म टू द डीलर्स जो डीलर्स थे वहां के मार्केट के उनके साथ में उसने एक अपना बिजनेस डील फाइनलाइज करी और उस बिजनेस डील के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर बिजनेस ने अपने सारे के सारे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को इन डीलर्स को सेल कर दिया सेल करने के बाद डीलर्स ने क्या करा जिन्होंने इन ऑब्लिगेश को परचेस किया था उन्होंने क्या करा था इसको इनकी फेस वैल्यू से कम प्राइस में परचेज किया था जो इनकी फेस वैल्यू थी उससे कम प्राइस में इन डीलर्स ने इन ऑब्लिगेशंस को परचेस किया था और परचेज करने के बाद इन्होंने बैंक या किसी और इन्वेस्टर्स को इसको ट्रांसफर कर दिया और ट्रांसफर करने के बाद जब ये मैच्योर हो गए तो मैच्योर होने के बाद जो बॉरअर है वो इन, इन्वेस्टर को क्या करेंगे इस पर्टिकुलर नोट की पार वैल्यू के अकॉर्डिंग पेमेंट को फुल फाइनल करेंगे तो जितनी इनकी वैल्यू है पार वैल्यू है वो सारी अमाउंट बोरअर के द्वारा इन्वेस्टर्स को पे कर दी जाती है तो इन्होंने तो जो पार वैल्यू थी उस कम प्राइस में परचेस किया था लेकिन इनको इनकी पार वैल्यू मिली तो इसका जो डिफरेंस रहा वो क्या हो गया इनका वो इनका प्रॉफिट हो गया तो यही आपके कॉमर्शियल पेपर्स के फॉर्म में अवेलेबल होने शुरू हो चुके थे जो फर्स्ट डीलर था जिन्होंने कॉमर्शियल पेपर में डील किया था उनका नाम था मार्कस गोल्डमैन ये गोल्डमैन सेक्स से बिलोंग करते थे ठीक है और जब सिविल वॉर खत्म हुआ तो सिविल वॉर खत्म होने के बाद गोल्डमैन सेक्स इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूश इंस्ट्रूमेंट में सबसे बड़े डीलर के रूप में सामने आए सबसे ज्यादा डीलिंग करनी शुरू करी मार्कस गोल्डमैन ने जो गोल्डमैन सेक्स से बिलोंग करते थे और जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड फाइनलाइज हो गया तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के फाइनलाइज होने के बाद जो कॉमर्शियल पेपर्स हैं दे बिकेम द मोस्ट पॉपुलर डेट इंस्ट्रूमेंट इन द मनी मार्केट इन्होंने मनी मार्केट में सबसे पॉपुलर डेट इंस्ट्रूमेंट का फॉर्म ले लिया था और बिजनेस फॉर्म्स में ये मैक्सिमम लेवल तक पॉपुलराइज हो गए थे जिन्हें अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना था उन पर्टिकुलर फॉर्म्स के लिए ओके सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ कॉमर्शियल पेपर्स थैंक यू